नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क मेला में। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव और माता सती का जो विवाह हुआ था वो किस प्रकार हुआ। तो हम इस विषय पे बात करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि इसी प्रकार की कथाएं आपको सुनने में आनंद दे और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियां सुनकर आपका मन संतुष्टि से भरपूर हो सके। तो हम बात करते हैं दक्ष प्रजापति की। कई पुत्रियां थी, सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री जन्म हो, एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्व शक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयनी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लग गए। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती दुर्गा ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम किस कारण वश तप कर रहे हो। दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी, मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलत भगवती दुर्गा ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म ले ही लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में से सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्य चकित कार्य करने दिखाए, कई ऐसे कार्य करके दिखाए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती दुर्गा का अवतार है, दुर्गा आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव का ही योग्य और उचित वर है। शिव ही उनके योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह है भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभी उस सभा में एकत्र हो गए थे। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलत दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लग गए। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इस इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शिव ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी, उनसे मिले
हुए बहुत दिन हो गए, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की ही हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरे अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों को सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशान वासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञमंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तथा यज्ञ कुंड में धुधु करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृ श्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाश पति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती ने नेत्र लाल हो गए और उनकी भौहें कुटिल हो गई। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजो दीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओ मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाश पति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं? वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथनों को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडल में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। यह समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे।
सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए और सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे, वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और देवताओं की सांसें भी रुक गई। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, रक्षा करे, रक्षा करे। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की वैसुधि में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब से वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के कार्य सारे कार्य चलने लगी। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति को पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। तो भगवान शिव और माता सती की ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अगर सुंदर लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही इसी प्रकार की अनेकों कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल धर्मार्थ मेला पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी कोई नई कथा आपको सुनाने को मिले तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आपको उसे तुरंत देखने को मिल सके। मिलते हैं हम एक और नई ऐसी ही कथा में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।